आकाश, आकाश ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक तो इतने दिन बिना बताए छुट्टी ले ली और अब ऐसा मुंह बना के आए हो। भाई प्रेजेंटेशन तो दे देगा ना ढंग से? आकाश दे देगा प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन। आकाश तुम ठीक तो हो ना? आकाश ठीक तो हो ना तुम? तारा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो वरना तारा मुझे मार देगी, मुझे बचा लो प्लीज। आकाश रिलैक्स, तारा यहाँ नहीं है। देखो कहाँ है तारा और वो बोला ऑफिस क्यों आई है? हाँ आओ कम आओ बैठो, थोड़ा पानी पी लो। और वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों मारेगी? हाँ मैं तुम्हें पागल लगता हूं, मैं पागल हूं, झूठ बोल रहा हूं। वो देखो अरे वो सामने बैठी है, मार दे ये मुझे, मारने। क्या बोल रहा है यार, यहां कहां है तारा? ओके मैं अभी प्रूफ कर देता हूं कि तारा यहां बैठी है मेरे सामने। एक मिनट में प्रूफ कर देता हूं कि तारा यहां बैठी है सामने। हेलो मम्मी, तारा कहाँ है? हाँ बेटा मेरे पास है घर पे। वहाँ है? तुम्हारे पास? तो वो तो यहाँ बैठी है मेरे सामने। बेटा हम चाय पी रहे हैं, वो वहाँ कैसे हो सकती है? इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मारूंगी मैं तुम्हें। ये छुरी तो सेब काटने के लिए, मैं तो तुम्हें ये सेब खिलाने आई थी। क्यों सेब नहीं खाना तुम्हें? खा लो इस सेब को, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। लो खा लो इसे, खा लो आकाश, इसमें जहर नहीं है। पापा मैं तो ये सेब खिलाने आई थी, पता नहीं ये छुरी देख के क्यों चिल्लाने लगी। मैं आकाश को क्यों मारूंगी? ओफो मैं तो इसकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मतलब क्यों मारेगी तुम्हें? हाँ पागलों जैसी हरकतें करता है ये। मैं पागल नहीं हूँ। अरे ये अब क्या करने जा रहा है? पागल हो गए हो क्या? ये छुरी नीचे फेंको, फेंको इसे। क्यों डर रही हो? आकाश क्या कर रहे हो तुम? ये आकाश ये छुरी फेंको इसे नीचे। चुप। आत्मा हो ना तुम? आत्मा तो मरती नहीं है।
आज इसने मुझे मारा, कल आप सबको मारेगा। ये पागल हो चुका है। सुनिए, जल्दी से जल्दी इसके चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा। मैं भी डॉक्टर बुलाता हूँ। चलिए। मम्मी, मम्मी ये चालस की, ये आत्मा है। ये तुम्हारे तारा नहीं है, ये नहीं है तारा। उसे मैं मार चुका हूँ, वो मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से मारा था उसे, इन्हीं हाथों से मारा था मैंने उसे। वो मर चुकी है। आपको मेरी वाइफ वहां खड़ी है, वो मर चुकी। मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी का खून किया और वो जो खड़ी है सामने, डॉक्टर साहब, वो आत्मा है। वो जिंदा नहीं है, वो आत्मा है। डॉक्टर साहब मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो यार, अरे वो आत्मा है। देखो, किधर है? डॉक्टर, क्या दिया मुझे? ये सब क्या हो रहा मेरे बच्चे के साथ? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अब अचानक से ये सब। डॉक्टर साहब, क्या हो गया उसे? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ट्रीटमेंट का अभी पहला सिटिंग है, लगता है किसी चीज का गहरा सदमा इनके दिमाग में पहुंचा है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? आप देख ही रहे मेरे बच्चे की हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखा जा रहा। माँ, चिंता मत कीजिए, आकाश ठीक हो जाएगा। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आकाश का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं हूँ ना इनके पास। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। अभी तो ये शुरुआत है आकाश, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी, मौत भी खड़े होकर भीख मांगेगी तुम्हें ले जाने के लिए। याद रखना, तुम्हें